बताइए कुछ सुधाकर सिंह जी के बारे में। सुधाकर सिंह अच्छे नेता हैं जी, और अच्छा कार्यकाल है, पहले भी रह चुके हैं विधायक, बहुत अच्छा कार्यकाल उनका था। और रामविलास पासवान, रामविलास चौहान जी का क्या वो है? उनका यहाँ मधुबन से मैं इस वक्त हूँ, मधुबन में ना, मधुबन, मधुबन से मैं लाइव हूँ। आप लोगों को बता दूं कि मैं मधुबन से लाइव हूँ और मधुबन की जनता की राय आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। मधुबन से टिकट मिला है सपा का, यहाँ की चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। यहाँ से सुधाकर सिंह जी को टिकट मिला है, हम सुधाकर सिंह जी को टिकट मिलने के बाद यहाँ की जनता की राय जानेंगे कि क्या टिकट मिलने से यहाँ की जनता खुश है, क्या है, जानते हैं। आपका नाम? रामसूर यादव। हाँ, ये बताइए कि यहाँ से टिकट मिला है सुधाकर सिंह जी को? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हम उनको देखे हैं, उनके उनके कार्यकाल को देखे हैं, हम हैं उनके काम को देखे हैं, बहुत बढ़िया जुझारू नेता हैं उनके जैसा। सब हम बूथ पर भारी हैं अपने यहाँ के, बहुत खुश हैं, हमारी जनता भी खुश है उनके आने से। मतलब भाजपा सरकार कैसी रही? भाजपा सरकार ऐसा निकम्मा तो सरकारें नहीं हुई, समझ लीजिए। भाजपा सरकार बहुत बहुत मतलब कोई बढ़िया काम नहीं किया है। हाँ, भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा में सबसे अच्छी पार्टी कौन रही अब तक? अब तक सबसे हमारे यहाँ देखने में सबसे बढ़िया सपा सरकार रही, जो कि सबके सबके बारे में बढ़िया काम किया, बढ़िया सबको सोच करके। कानून व्यवस्था किसके में सही रहा? कानून व्यवस्था सपा सरकार में ही बढ़िया था, भाजपा सरकार में सही? भाजपा सरकार में तो एकदम कानून व्यवस्था भ्रष्ट है, बेकार है। आपको क्या लग रहा है आने वाले समय में भाजपा अपना प्रचार प्रचंड लहराएगी या सपा? नहीं, भाजपा तो एकदम बुरी हाल में जाएगी, उसकी तो जमान जब्त होगी। हाँ, ये समझ लीजिए सपा सरकार आना ही आना है। भाजपा सरकार में राम मंदिर का निर्माण हुआ और काफी कुछ नहीं हुआ, कोई सब अखिलेश जी का ये भय कि सब रोड बनवाए, सबका शिलान्यास करवाए, करवाने के लिए काम कराया, लेकिन फंसा कि उनकी सरकार गिर गई, तो उन्हीं के कमों को अभी पूरा नहीं हो पाया है। रोजगार पे क्या कहेंगे? रोजगार रोजगार तो दिए ही नहीं, सब रोजगार तो खत्म कर दिए, ले लिए, रोजगार के बारे में तो कहना ही नहीं है। हाँ, पूरा मिला के भाजपा सरकार अच्छी नहीं रही? नहीं, अच्छी नहीं रही, बेकार है। पाँच सालों में कोई काम नहीं? कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया, वही नोटबंदी किया, जनता को परेशान किया, और क्या किया। रोजगार पे भी काम किया, अभी शिक्षक भर्ती निकाली भाजपा सरकार, बहुत सारी वैकेंसी लेके आई। उनका कहना है 4.5 लाख रोजगार अब तक उत्तर प्रदेश में दिया जा चुका है। तो उसके लिए क्या कहा जाए, TT की परीक्षा करवाए, आप परीक्षा करवा करके और पता चला कि आउट हो गया, पर्चा कैंसिल हो गया। अब 20 दिन में कैसी व्यवस्था बना दिए कि फिर हो गया। अब सोच लीजिए टीचर की भर्ती के बारे में, यही तो है। माननीय अखिलेश जी का कहना है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि फ्री बिजली दिया जा रहा है, ये मैनिफेस्टो में दिया गया है, उन्होंने बोला भी है। तो ये फ्री बिजली हमेशा दिया जाएगा जब तक उनका सरकार रहेगा, मतलब बार बार सरकार आएगा हमेशा मिलेगा, या पांच, ये लालच दिया जा रहा है जनता को? तो ये तो अब मैनिफेस्टो पूरा रूप से देखा जाए तब न पता चलेगा। हाँ, अब वो लागू करते हैं तो अगली सरकार मानती है नहीं मानती है, अगर हो सकता है कि अगली सरकार दूसरे की हो जाए, ऐसा तो काम इनके मतलब। दर्शकों का कहना होता है, दर्शक अक्सर कमेंट्स करते हैं, बोलते हैं कि ये लोग बस चुनावी लॉलीपॉप देते हैं, होता कुछ नहीं है, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, ये अखिलेश जी जो भी कहे वो आज तक करके दिखाए, इसके लिए हम लोगों को भरोसा है कि वो जो भी कहेंगे वो करेंगे, एकदम कन्फर्म करेंगे। ठीक है, क्या नाम है चाचा आपका? डॉक्टर देवचंद। ये बताइए, यहाँ से समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह जी आए हैं, भाजपा से रामविलास जी, और कांग्रेस से देखा जाए तो नीलम कुशवाहा जी आए हैं। आपको क्या लगता है कौन उम्मीदवार सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ पे? जो उम्मीदवार यहाँ पे अभी घोषित हुए हैं, यहाँ की जनता नहीं जानती थी कि ऐसा हो सकता है। जितना लोग लाइन लगाए थे, अखिलेश जी ने एक अहम फैसला लिया है कि कैसे जुझारू प्रत्याशी को, जो पुराने कार्यकर्ता समाजवादी के ऋण रहे हैं, जो कभी उनको निकाला भी गया तो पार्टी को नहीं छोड़ा उन्होंने, ऐसे प्रत्याशी को इस विधान मधुबन विधानसभा की जनता के सामने रख दिया है। और ये आश्चर्य लग रहा है, आश्चर्य में खुशियां लोगों के अंदर आ रही है कि बहुत अच्छा निर्णय लिए हैं।
और मैं जानता हूँ सभी प्रत्याशियों से अच्छे रहे हैं, पुराने रहे हैं, नौजवानों के नेता रहे हैं, विद्यार्थियों के नेता रहे हैं और इनको लोग लाइक करेंगे। और सभी यहाँ के, हम भी यहाँ के SC BC माइनॉरिटी के लोगों से निवेदन करूँगा कि BJP को हराने के लिए समाजवादी पार्टी को वोट देकर सुधाकर सिंह को जितावें। समाजवादी पार्टी की कुछ अच्छाइयाँ आप बताइए। समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी अखिलेश जी की, मैं अखिलेश जी की बात कर रहा हूँ, जो वर्तमान में जो लीडर हैं, जिनको हर SC BC के लोग उनको लाइक कर रहे हैं, तो इन्होंने जो भी काम किया समान रूप से सबके लिए काम किया। और जो वादा किया, वादा दिखाया, बच्चों को लैपटॉप देने के लिए बोले, लैपटॉप भी दिए। और उम्मीद, ये बिजली की, फ्री बिजली की बात आ रही है, तो जब सरकार आएगी तब ना फ्री करेंगे। अब इनकी सरकार रहेगी तब तक, अगर करते हैं भी है तो इनकी सरकार रहेगी तो फिर रहेगी। अब अगली सरकार क्या करती है या हमारी जनता किसको सरकार बनाती है, जनता के विवेक के ऊपर है। क्योंकि इतना नौकरियां इतनी महंगी हो गई हैं, यहाँ गरीब से गरीब बच्चे जितने उत्तर प्रदेश पुलिस में हुए हैं, जो मेरिट पर हो गए हैं, अगर वही मेरिट नहीं रहता तो गरीब घर के बच्चे 5 लाख जुटा नहीं पाते, 10 लाख जुटा नहीं पाते, उनका पहुँच नहीं बन पाता, उस जगह पर नहीं पहुँच पाते। ये BJP सरकार यहाँ के गरीब लोगों को गरीब बना रही है, अमीरों को अमीर बनाती जा रही है, ऐसी व्यवस्था लागू किया है। और ये जनता को भुलवावा दे रही, 500 रुपया 5 किलो अनाज पर जीवन यापन कर रही है। लेकिन यहाँ की गरीब से गरीब जनता इस बात को समझ रहे हैं कि हमको भुलवावा दे करके हमारे सारे अधिकार को ख़त्म कर दिया, हमारी शिक्षा व्यवस्था से लेकर नौकरी, बिजनेस, व्यापार, छोटे छोटे कारखाने बाहर में लगा करके यहाँ के गरीब जनता काम सीख के थोड़ा सा अपने को डेवलप किया, छोटा छोटा कारखाना लगाया, मशीनरियां लगाया, उसको जो है बंद करा करके पूंजीपति बड़े उद्योगपतियों को यहां पर लागू कर रहा है, उनकी व्यवस्था चलाई जाएगी, ऐसी व्यवस्था है। और देश के अंदर जितने नौजवान पैसे लगा के, पूंजी लगा के पढ़ते हैं, इनको नौकरियां संविदा पर दी जा रही है, संविदा प्राइवेटाइजेशन का कारण है, तो इसको हटाना जरूरी है। जनता उब चुकी है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अभी मेरे साथ एक लोग और मौजूद हैं, हम इनसे भी राय जानेंगे। चचा, ये अपना नाम बताइए। हरिशंकर यादव। यहाँ समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह जी को टिकट मिला है, और यहीं देखा जाए भाजपा में तो रामविलास चौहान जी को टिकट मिला है, कांग्रेस में नीलम कुशवाहा। तो सबसे अच्छा उम्मीदवार यहाँ के लिए कौन है? सबसे अच्छा उम्मीदवार यहाँ सुधाकर सिंह जी हैं, इसलिए कि वो अपूर्व में भी यहाँ की राजनीति की है, यहाँ से विधायक रहे हैं। और उन्होंने जिस समय हम यहाँ अधेरा था तो बिजली देकर उजाला देने का काम किए, जिस समय हम लोग अधेरे में रह रहे थे। और उनसे सुपर कोई प्रत्याशी नहीं है, इसलिए कि भाजपा से के झूठे कारनामों से जनता उब चुकी है। और वह माननीय सुधाकर सिंह पर विश्वास करती है, यह भी आस लगा के बैठी थी कि हो सकता है सुधाकर सिंह का घोसी से टिकट कटा तो मधुबन आएंगे, यह स्वाभाविक सा ही भी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया वो बहुत ही सुंदर और शानदार निर्णय लिए हैं। समाजवादी पार्टी से सुधाकर सिंह यहाँ से फिर विधायक होंगे और यहाँ की जनता को खुशहाल रखेंगे। मतलब विगत 5 वर्षों में भाजपा सरकार अच्छी नहीं रही? अच्छी नहीं रही, ये तो लुभावना दे रही है। अभी भाजपा सरकार ये बोल रही है कि राशन फ्री, अरे राशन फ्री दे रही है, हमारा सिलेंडर का पैसा काट ले रही है, 400 से 1000 हो गया, वही पैसा सब्सिडी आती थी बंद हो गई, दे वही उसी पैसे को दे रही है, वो तमाम पैसा ऐसे काट कर, ये फ्री कहाँ है, हमारा ही पैसा लेके इधर फ्री कर रही है। मुफ्त में दो दो बार राशन दे रही है सरकार, तो वही तो बोल रहा है कि मुफ्त में दे रही है लेकिन इधर से सिलेंडर का पैसा काट ले रही है। महंगाई खाद में वजन कम हो गया, उसका पैसा बढ़ गया, 5 किलो कट गया, वजन बढ़ा तो काट के हमारा ही पैसा ना हमको दे रही है, फ्री कहाँ है। ये तो एक जुमला फेंका जा रहा है कि फ्री 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 नहीं दे रही है कहीं। और इस नाते अब सभी लोग मन बना लिए हैं कि यहाँ से समाजवादी पार्टी का विधायक होगा, जो सबको खुशहाल रखते थे, और सुधाकर सिंह ऐसा प्रत्याशी यहाँ कोई नहीं है। जैसा कि आप लोगों को मैं बता पा रहा हूँ कि यहाँ की जनता पूरी मूड बना ली है, और सुधाकर सिंह जी को यहाँ से निकालने का पूरा मन बना लिया है यहाँ के जनता ने। आपको मैं कई लोगों से राय दिखाई, एक लोग और हैं हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है भैया जी? राजेश कुमार राजभर। ये बताइए कि यहाँ से सपा से सुधाकर सिंह जी को और भाजपा से रामविलास चौहान जी को और कांग्रेस और अन्य पार्टियों से भी मिले, सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन है? देखने में तो यही लग रहा है कि मतलब
बढ़िया रहेंगे सुधाकर सिंह ही, समाजवादी पार्टी बढ़िया लड़ेगी यहाँ। पहले से भी यहाँ पे राजनीति किए हैं, बहुत लोगों में चर्चा रहती है, बहुत लोग नाम भी लेते हैं इनका, अच्छे नेते हैं, बढ़िया लड़ेंगे सुधाकर सिंह जी। यहाँ पे पूरा मूड बना लिए हैं? हाँ मूड बना लिए हम लोग, मतलब सुधाकर जी को निकालना है। जी जी सुधाकर। और भाजपा सरकार अच्छी नहीं रही? नहीं नहीं, बहुत कुल सब बहुत सारी समस्याएं थी, अब क्या गिनाया जाए, सबको पता ही है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, किसी को बताना नहीं है भैया। सब लोग मूड बना लिए हैं कि समाजवादी की सरकार बनेगी, इस बार जो भी प्रत्याशी आएगा जिस विधानसभा में आएगा उसको जिताना है और उसको विधायक बनाना है। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, मैं यहाँ के अन्य जगहों पे जाके भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, यहाँ की जनता की राय आप लोगों तक पहुँचाऊंगा। वीडियो में बने रहिए प्रकाश पांडे के साथ, धन्यवाद।